नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, आपके साथ मैं हूं कनिका। जुर्म की सजा भुगतने के लिए बनाई गई जेलों को अब आधुनिक रूप दिया जा रहा है। हरियाणा में इसकी शुरुआत पानीपत से होगी। प्रदेश में पानीपत की यह पहली जेल है जो इको फ्रेंडली होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया। जेल में 230 किलोवाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया है। जिला पानीपत की कारागार का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। ये 2003-04 की घोषणा थी, शायद 2003 से भी पहले की थी, तो पहले की थी, लेकिन उसके बाद इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में रखा। तो माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन प्रोजेक्टों को टाइप किया, जो बंद पड़े हैं उनको पूरा किया जाए। उसमें ये हमारी पानीपत की जेल भी एक थी। ये 47 एकड़ में इस जेल का कैंपस बनाया है और 74 करोड़ की लागत से बना है। इसमें 1000 बंदियों की कैपेसिटी रखी गई है, जिसमें 626 मेल और 114 फीमेल, 5 वार्ड मेल के लिए हैं, 1 फीमेल के लिए है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो कोई भी हमारे पास फीमेल बंदी आती है और 5 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है, उसके लिए हम यहाँ पर स्कूल का भी हमने प्रोविज़न किया है। इसके अंदर हमने हॉस्पिटल का भी प्रबंध किया है 30 बेड का। और इसके अलावा हमने इसके अंदर वर्कशॉप, जो हमारे पास बंदी होते हैं हम उनसे काम कराते हैं, हमने 4 वर्कशॉप का भी प्रोविज़न किया है, जो इनमें हम वर्कशॉप से काम कराए। ये आज हमारे जिस प्रकार से CHC मतलोडा की हुई है, जेल की ये हुई है, और इसके अलावा जो कुकड़ाना गांव है, जो वर्षों से गाँव के लोगों की डिमांड थी, जो पानीपत थर्मल प्लांट और जो सीरी फैक्ट्री के पास स्थापित था, उनको बहुत पोल्यूशन की दिक्कत थी, उसको शिफ्ट किया जा रहा है। और इसमें शहर की भी परियोजनाएं हैं, ग्रामीण की, शहर की, तो 10 परियोजनाओं का आज आधारशिला उद्घाटन किए। सर, हाईटेक